झंझड़। युवक द्वारा कुएं में नींबू ताबीज डालने की घटना से मचा हड़कंप। पुलिस ने किया आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज। नगर पालिका द्वारा कुएं के पानी को कराया जा रहा है खाली। नगर पंचायत द्वारा नगर में पानी सप्लाई किए जाने वाले झामरे कुएं में कल शमीम मंसूरी नामक युवक द्वारा नींबू ताबीज और पानी की बोतल डाली गई, जिसे नगर पालिका कर्मचारियों द्वारा देखने के बाद तुरंत सामग्री निकाल ली और युवक को पकड़ लिया। उक्त खबर नगर में फैलते ही कई तरह की चर्चाएं होने लगी, जिसके बाद नगर परिषद द्वारा कुएं से पानी की सप्लाई बंद कर दी गई और कुएं के पानी का सैंपल निकालकर कुएं के पानी को पंप द्वारा निकालने का कार्य किया जा रहा है। वहीं आरोपी शमीम का कहना है कि उसकी बीवी की तबीयत खराब थी, इसके लिए उसने ताबीज करवाया था जिसे वह पानी में ठंडा कर रहा था। पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं नगर परिषद द्वारा पानी का सैंपल जांच हेतु भेजा गया है। और ये सुबह गुरु नानक उद्यान में वहां हुआ है, वहां पर ये लोग पानी सप्लाई छोड़ने के लिए गए थे। वहाँ पर उस टाइम उस समय शमीम पिता मुस्तफ़ा खान राजपुर रोड अंजल का वहाँ पर कुछ पूजा की सामग्री कुएं में फेंकते हुए इसने देखा। उस बात को फिर इन्होंने सीएम साहब को आकर बताई थी और आज एफआईआर करने आए हैं उनकी तरफ से। तो क्या मामला दर्ज किया सर आरोपी पर? इसमें हमने आरोपी को धारा 188 और 269 IPC के तहत मामला दर्ज किया। उसकी सामग्री जब्त कर ली क्या? हाँ, अभी जब्त किया जाएगा।